गड्ढे से कुछ दूर एक टूटी फूटी दीवार के पास बैठे ये लोग तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं नसीरुद्दीन। तुम ऐसे बन जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा कि मैंने हवा में कितनी कलाबाजियां खाई? प्यारे गधे, लगता है तुम्हें भी शरारतें करने में मजा आता है। ये औरत बच्चों को गोद में लिए रो क्यों रही है? बल्कि यहाँ तो जितने लोग मौजूद हैं सबके चेहरों से दुख झलक रहा है। क्या बात है भाई? मैं पूछता हूँ, आप सब लोग इतने दुखी और परेशान क्यों लग रहे हैं? इतनी तपती दोपहर में आप सब यहाँ क्यों बैठे हैं? अपने घरों को क्यों नहीं जाते? बेटा, हमारे दुखों का कोई अंत नहीं है। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे अरे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, जाने कब मुझे मौत आ जाए। मैं तो इन सब लोगों के लिए रो रहा हूँ। जनाब जनाब जनाब, आप मुझे बताइए तो सही, आपकी समस्या क्या है? हो सकता है मैं आप लोगों के किसी काम आ सकूं? अभी थोड़ी देर पहले साहूकार जफर अमीर के आदमियों को लेकर मेरे घर आया था। दरअसल कल तक मुझे उसके कर्ज के पैसे वापस करने थे। पैसे वापस करने का कल आखिरी दिन था। मैं समय पर उसका कर्ज ना चुका सका, इसलिए उसने मेरे परिवार सहित मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कर्ज के बदले मेरा घर मुझसे छीन लिया। अब मैं बेघर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कर्ज के लिए धन का ब्याज अदा करने के लिए मुझे अपने जानवर और अपना सामान भी बेच देना पड़ा। अच्छा, ये तो बताओ, तुमने साहूकार से कर्ज कितना लिया था? कर्ज 250 चांदी के सिक्के लिए थे भाई। 250 चांदी के सिक्के मुझसे ले जाकर साहूकार को दे दो और उसे अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दो। सच सच कह रहे हो? हाँ भाई, ये लो, ये 250, ये लो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा, तुम्हारी इस नेकी का बदला अल्लाह तुम्हें जरूर देगा, जरूर देगा अल्लाह। ऐ दयालु इंसान, मेरा बच्चा 3 दिन से बीमार है। इसके होंठ सूख गए हैं, इसका बदन बुखार से तप रहा है। मेरे पास ना घर है और ना पैसा। 6 महीने पहले इस बच्चे का बाप मर गया है। ऊपर से मुझे जफर साहूकार का 200 सिक्के का कर्ज भी चुकाना है। मुझ पर भी रहम करो। आप भी बेफिक्र रहिए, ये 200 सिक्के जफर को देने के लिए लीजिए और इन 5 सिक्कों से बेटे का इलाज करवा लीजिए। आपकी मेहरबानी से अब इस दुखिया के दुख दूर हो जाएंगे दाता। रहम दिल इंसान, क्या मुझ पर तरस ना खाओगे? जफर ने मेरे खानदान वालों को गुलाम बना रखा है। क्यों? मुझे जफर के 400 सिक्कों का कर्ज अदा करना है। अगर आज कर्ज अदा ना हुआ तो वो उन्हें गुलामों के बाजार में बेच डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप चुप हो जाइए। ये 400 सिक्के लेकर अपने खानदान वालों को आजाद करवाइए। शुक्रिया। लीजिए। शुक्रिया। सुनो भाई जी, क्या मैं तुम्हारी भी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम भी जफर के अत्याचार का शिकार हो। ठीक कहते हैं, आज जफर को पैसे चुकाने का मेरा भी आखिरी ही दिन है। आज के बाद मुझे भी जंजीरों में जकड़कर गुलामों के बाजार में
नीलाम कर दिया जाएगा। लेकिन तुमने इन लोगों की तरह मुझसे सहायता क्यों नहीं मांगी? क्योंकि तुम पहले ही बहुत सा पैसा इन जरूरतमंदों में तकसीम कर चुके थे। अगर मैं पैसे मांगता तो ये लोग तुम्हारी सहायता से वंचित रह जाते। आखिर सफर को कितना पैसा चुकाना है? ये कोई 500 चांदी के सिक्के। अल्लाह की शायद यही मर्जी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। उसने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। मेरे पास जितना भी पैसा बाकी है वो तुम ले सकते हो। ये तुम्हारा भला हो। चलो दोस्त, अब तो तुम्हारी पीठ से भी पैसे का बोझ उतर गया। अच्छा साहिबान, इजाजत दीजिए, चलता हूँ। ए फरिश्ते, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम जानकर आप लोग क्या करेंगे? नेक काम को कभी किसी नाम की जरूरत नहीं होती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज नेकी के फरिश्ते। तो कहिए मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ बिताइए घड़ियां कैसी लगी? बहुत बढ़िया, अद्भुत, सचमुच मुल्ला है ही ऐसा।